तो दोस्तों, गंदी बात के पहले एपिसोड में आपने तो अच्छा प्यार दिया, तो सोचा दूसरा एपिसोड भी ले ही आता हूँ। पहला एपिसोड ने आपने जो प्यार दिया, जो चिट्ठी का रिप्लाई आया है, अब मैं वो आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। 0/सन्नाटा, दिल्ली, जुलाई 2013। डियर गोल्डन, सेंटी हूँ इसलिए सेंटी जैसा ही कुछ लिख रही हूँ, पढ़कर ज़्यादा खुश मत हो जाना अपने बारे में। रोज़ रोज़ नहीं कहूँगी ये सब तुमको, समझे। जानती हूँ अच्छे से कि आज सुबह भी तुम्हारी आँख 6 बजे ही खुल गई होगी, जब तुम्हारे बिस्तर के सिरहाने रखी उस अलार्म घड़ी के ट्रिंग ट्रिंग ने रोज़ की तरह तुम्हें जगाया होगा। जानती हूँ कि तुमने रोज़ की तरह कसम खाकर आदन अपनी चादर फिर सर तक चढ़ा ली होगी, इस उम्मीद में कि मैं फ़ोन लगाकर प्यार से अपने सोना मोना को उठाऊँगी और डांट कर याद दिलाऊँगी कि मेरा अकाउंट्स की कोचिंग का वक्त हो गया है घोचू, आके जल्दी पिक कर ले। जानती हूँ अच्छे से आज फ़ोन की घंटी नहीं बोझी होगी और तुम यूं ही घड़ी ताकते रहे होगे। तुमको पता है, तुम जब सोकर उठते हो ना, कसम से बड़े हॉट लगते हो। खैर, इधर कुछ दिनों से रात को नींद नहीं आती है, लगता है जैसे कुछ बेहद ज़रूरी पीछे छूट गया हो। तुम्हें पता है, दिल्ली आते वक्त बार बार ट्रेन के उस दरवाजे के पास जाकर तुम्हारे होठों की गर्मी और होने का एहसास को टटोल तलाश रही थी। चीख चीख कर तुम्हारा नाम ले रोने का मन कर रहा था, जी कर रहा था कि मुगल सराय या कानपुर उतर कर किसी डाउन ट्रेन को पकड़ लौट आऊँ तुम्हारे पास। फिर उस खसूट अंकल को देखा, पूरे रास्ते मुझे घूरता आया था वो, जी मैं आया पकड़ के पीट दूँ ही उसको, कमबख्त ठरकी। 2 मिनट की प्राइवेसी भी नहीं बर्दाश्त हुई थी बुड्ढे से, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। सच बोलूँ तो तेरे साथ कभी कुछ सोचा ही नहीं था, बस जिया था। तुझे छोड़ के आने का हालवा समझ रही थी मैं, लेकिन आज लगा तो सच बोलता था यार, जुदाई सच में जुदाई होती है, चाहे वो रियल लाइफ में हो या रियल लाइफ में। आंसू छलका ही देती है, कभी कभी तो चिढ़ मचती है अपनी पढ़ाई में अच्छे होने पर, गुस्सा आता है करियर वरियर के बारे में सोच के ही, लेकिन फिर बिस्लरी के 2 घूंट पीते ही सोचने लगती हूँ कि अकेले में ये केवल मेरा सपना नहीं है, माँ पापा सबने और फिर तुमने भी कितनी जीत की थी ना कि हम यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी चले आए पढ़ने। मुझे अब भी याद है जब मैगजीन में मैंने तुम्हें अपने कॉलेज का नाम और फोटो दिखाया था, देश के टॉप कॉलेजों की लिस्ट में सबसे ऊपर, कुल 55 खंभों पर टिकी लाल रंग की एक इमारत, तुम कैसे बच्चों की तरह उछल पड़े थे बस इस ख्याल से ही कि मेरे कॉलेज का फ़ोटो इतनी बड़ी मैगजीन में निकला है। पूरे 1 हफ्ता तुम वो मैगजीन लिए अपने हर यार दोस्त चौक चौराबे चौबारे ढिंडोरा पीटते रहे थे मेरा नाम का कि डेजी का एडमिशन इतने बड़े कॉलेज में हो गया है। सच बोले, तुमको इतना खुश देखकर हमें सब कुछ आसान लगने लगा था, लग रहा था जैसे ये मेरा सपना कम तुम्हारा ज़्यादा था। शायद इसलिए मैं भूल बैठी थी वहाँ बैठकर सपने देखने, और यहाँ इस अनजान शहर में उन सपनों को जीने के बाद एक सौदे जैसा कुछ होता है, एक की कीमत पर ही दूसरा मुकम्मल होता है। पगली बोलेंगे सब मुझे, लेकिन अभी इस वक्त कोई मुझसे उन सारे सपनों का तुम्हारे लिए सौदा करने को बोल देना, मैं शायद बिना कुछ कहे सुन कर लूँगी। सच बताना गोल्डन, तब तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं होगा कि मेरे वहाँ से आने के बाद जब तुम्हारी डैजी फिर से तुम्हारे साथ बाइक के अगली सीट पर बैठे शहर से मिलो दूर हाजीपुर के केले को खा खेतों में बैठ तुम्हारे साथ कौवा उड़ मैना उड़ खेलती, बात बात पर तुम्हें डांटती, चीखते हुए तुम्हें जकड़ती, सचमुच नहीं होगी तो कैसा होगा सब कुछ। हर दिन तुम्हारे साथ लुढ़कती रहने वाली तुम्हारी लेडी सलमान तुमसे जब दूर होगी और कब मिलेगा तुमको इसका भी कुछ पता नहीं, यह अनुभव कैसा होगा। इसका अंदाज़ा अगर तुमको होता तो क्या तुम मुझको यहाँ आने देते, नहीं ना। जानते हो, वहाँ बीते भर के उस शहर में चहकती फुदकती तुम्हारी बुलबुल यहाँ आके थोड़ी सहमी हुई है। दूर दूर तक शहर और उसकी हवाओं में अनजाना सा कुछ घुला हुआ है, सब अनजान है, सब अनदेखा है, और मेरी लग गई है। मैं बस तुम्हारे सामने शेरनी बनती थी, बाकी सबके सामने मेरी कैसे फटती है,
तुम जानते हो ना, यहाँ की हाई फाई लड़कियों के बीच एकदम से मेरा टसन धरा का धरा रह गया। अब हर वक्त तो अपनी 96% वाली मार्कशीट अपने सर पे चपका के नहीं चल सकते। यहाँ ऐसा कई और है हमसे ज़्यादा नंबर पाने वाले भी। वैसे यार, हर मजनू की तरह अपनी लैला से झूठ तो तुमने भी जी भर के बोला है। अब समझ आया उन सारी तारीफ़ों का सच। मेरे बालों से खेलते खेलते कैसे झूठी तारीफ़ किया करते थे तुम। उनके गहरे भूरे रंग और उनका खुला होना, कभी कभी तो मुझे लगता था कि तुम मुझसे कम मेरे बालों से ज़्यादा प्यार करते हैं। कभी गलती से भी नाम नहीं ले सकती थी मैं उन्हें छोटे करवाने का। और यहाँ देखो तो सबके बालों के रंग ही अलग अलग है, किसी के लाल तो किसी के सुगा पंखी, किसी के ब्लू तो किसी के एकदम सीधे बाल, बोले तो स्ट्रेट। खूबसूरती की अलग ही डिक्शनरी खरीदनी पड़ेगी इस शहर में मुझे। कॉलेज के पहले दिन मैंने वही काले रंग के चिकन की कढ़ाई वाली कुर्ता पहना था जो तुम भागलपुर से लेके आए थे मेरे लिए। मेरा रंग भी तुमने ही चुना है, काला। तुम्हारा बस चलता तो कई और रंग भी कभी पहनने ही नहीं देते मुझे। खुद को बेबी डॉल समझने की इतनी गंदी आदत लगा दी है तुम्हारे प्यार ने। झेलूंगी अब मैं इसको अकेले? सब कसूर तेरा है, तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे आड़े तिरछे शौक पूरे करने में। हर 15 दिन पर थ्रेडिंग के लिए पार्लर के बाहर मेरे कहने से पहले ले जाकर बाइक खड़ी कर देते थे तुम। वैक्सीन से पहले तो मुझसे ज़्यादा डर तुम्हें लगता था, कैसे परेशान हो जाते थे तुम। वैक्सीन के बाद हल्की हल्की लाल हो चुके मेरे कलाइयों को देखकर और फिर वो तुम्हारा गुस्से में हाथ थामना, कहना क्या ज़रूरत है इन सब बकलोल टाइप का काम करने का, और फिर बाइक पे बैठा बैठा होले होले तुम्हारा उनको सहलाना। अब तक जब तक तुम्हें पक्का पता ना चल जाए कि कलाइयों की वो लाली छट गई है, पगले तेरे इश्क में मैं खुद को कैटरीना से कम नहीं समझने लगी थी। सब याद आ रहा है अभी। कॉलेज के अंदर हॉस्टल के कमरे में पंखे के ताक रही हूँ और बार बार खुद को बता रही हूँ कि इतना सेंटीपना मेरे और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। गोल्डन, देखो ना, मैं स्ट्रांग बनने की कितनी कोशिश कर रही हूँ लेकिन आंसू है कि निकल ही जाते हैं। हर तीसरी लाइन के बाद अच्छा रुको, टॉपिक चेंज, चलो तुमको कुछ और बताते हैं। हॉस्टल कॉलेज के अंदर ही है सो हमें बाहर की दुनिया से मतलब ज़रा कम ही है। सब कहते हैं कि इस कॉलेज में जादू है, द मैजिक ऑफ LL LSR। हर तरफ बेधड़क बढ़ते कदम मर्दों की दुनिया से बिल्कुल अलहदा है यह दुनिया, जहाँ सब अपने शर्तों पर जीते हैं, जहाँ कोई किसी की परवाह नहीं करता, कोई किसी के लिए नहीं ठहरता है। यहाँ अगर मैं सोचने लगूँ कि इतनी बेफिक्री क्या वाकई ज़िंदगी में घोली जा सकती है, उस लड़की की ज़िंदगी में जिसकी सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारी मिल्कियत है, जिसकी रातों के सपने में हर दूसरे दिन तुम कुछ न कुछ उद्यम मचाते हुए आ धमकते हो। तुमको मालूम है तुम्हारे झगड़े, तुम्हारे गैंगबाजी, तुम्हारे झूठ, तुम्हारा सच, भूख प्यास, पर सोचने समझने का जिम्मा आज तक जिस लड़की ने उठाया था वो अब इस जिस दुनिया में है वहाँ इस तरह इश्क करना निहायत डाउन मार्केट है। लेकिन प्रॉमिस है तुमसे, मैं वापस आऊँगी तो तुम्हें ठीक वैसे ही मिलूँगी जैसे तुमने मुझे छोड़ा था। झूठा है यह शहर, खुद से रोज 100 झूठ बोलता है। सामने चाहे जितना नकार ले, इस शहर में इश्क अब भी छुप छुप के ही हो जाता है। यहाँ हर कोने, हर सड़क, हर पार्क, हर गली, बस स्टॉप और मेट्रो में लेडीज़ और जेंट्स कंपार्टमेंट के बीच इश्क की चाशनी में डूबे कितने नर मादा मुझे रोज़ नज़र आते हैं। बेतरतीब से रफ्तार में शहर के तले भागती ज़िंदगी में इन जोड़ों को देखते ही आँखों में कुछ गीला गीला सा चुभने लगता है। फिर आंखों पर चढ़ी पानी की चादर से छन के सिर्फ तुम नज़र आते हो, वैसे ही पुराने बेवकूफ़ जैसे तुम। कॉलेज से लेकर हॉस्टल तक ना जाने कितने लॉन हैं यहाँ। एक ठीक मेरे कमरे के बाहर भी है, हरी मुलायम घास है वहाँ। गांधी मैदान में कब उगेगी वैसी घास? गोल्डन, याद है हम पहली बार वहाँ मिले थे एकदम बोर से उस जगह पर, कितने नर्वस थे ना तुम, हाथ में मुड़ा तुड़ा सब वो गुलाब लिए हुए, धूल में सनी वो ब्लू शर्ट पहने हुए हीरो। मेरे दोस्तों का कहना है कि लव एट फर्स्ट साइट सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन मुझे पता है कि तुझे वैसे देखते ही मेरे कानों को एकदम गर्म हो जाना हमारी रियल लाइफ में लव एट फर्स्ट साइट था। तुम कहते थे कि तुम्हें गर्लफ्रेंड की शक्ल में लड़ाकू विमान मिल गया है,
जब देखो लड़ती रहती थी। न मैं तुमसे सच बोल रही हूँ, मुझे भी तुम्हारे होने का सबसे गहरा एहसास अभी हुआ है। तुमसे दूर होकर जब तुम्हारी एकलौती शर्ट को अपने रूममेट की नज़रों से बचा बचा कर पहनती हूँ, उस उम्मीद में कि तुम्हारे डियो की गुम होती खुशबू में तुम्हारा कोई कतरा अब भी बचा हो तो मुझे तुम्हारे पास होने का एहसास करा दे। मुझे तुमसे रोज़ झगड़ना है गोल्डन, जिंदगी भर। तुम तो पागल हो गए होगे ना मुझे 60% की संस्कारी गर्लफ्रेंड की तरह बर्ताव करते हुए देखकर। खुश हो लो मेरा सोना, क्या करूं, तुम्हारी लड़ाकू विमान आज बहुत अकेला महसूस कर रही है। न माँ है, न बाबा, न ही वो जानी पहचानी संकरी सी गलियां जहां मैं और तुम बेधड़क इसक जादू की तरह मडराते फिरते थे। न मेरा वो बेस्ट फ्रेंड टाइप मैसेंजर सहेलियाँ जो SMS से भी जल्दी खबरें पहुँचा दिया करती थी। ना वो सिंगल स्क्रीन सिनेमा जहाँ हमने तीन तीन करके ना जाने कितने घंटे बिताए लेकिन पिक्चर एक भी नहीं देखा। नहीं वो चाचा, वो बुआ, जान पहचान के रिश्तेदार की वो आर्मी जिनके डर से मैं अपने बैग में परमानेंटली की एक दुपट्टा लेकर बाहर निकलती थी। ना तुम, ना मैं, यहीं शहर में वो कुछ भी नहीं जो मेरा अपना हो, मैं भी नहीं। चलो डिनर की बेल बज गई है, बेसवाद है खाना यहाँ का और थकी हुई सी रात जहाँ नींद कमी आती है। जल्दी से फ़ोन करके अपने गदर्व सुर में अपनी पैटेंट लॉरी सुनाओ ताकि ख्वाबों के गलियारों में तुम्हारे बाइक के पीछे बैठकर स्टंट मारते हुए तुमको पा सकूं। चलती हूँ, ख्याल रखना अपना, तुम्हारा डेजी। तो दोस्तों ये दूसरी लेटर दूसरी चैप्टर भी ख़त्म हो गई यार। कसम से मतलब मज़ा आ गया पढ़ने में, जैसे मैं ना रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं कभी बाहर आया नहीं, मतलब अपने घर से झारखंड से या रांची से कभी मैं बाहर आया नहीं। बट जब इधर मैं बेंगलोर आया हूँ ना तो मुझे भी मतलब रांची में भी, मैं रांची में नहीं था, मतलब एक झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट में था, नाम नहीं लूँगा, रहने देते हैं छोटी सी जगह से हूँ। तो जब मैं बाहर आया ना यहाँ पे तो इतना भीड़ क्या बोलूँ, इतने लोग और इतने हाई फाई लोग, और ये जो बालों के रंगों की बात हो रही है और कपड़ों की बात हो रही है, जो भी हो, मैंने मतलब देखा नहीं था। और वो अंग्रेज़ी में बात करना सबसे बड़ी बात है, तो मुझे उतनी आती नहीं है, थोड़ी मोड़ी, मतलब कभी अंग्रेज़ी में बात किया नहीं। इंग्लिश आती है, लिखने को लिख लूँगा, बट यार बोलना कभी बात ही नहीं किया घर में तो क्या ही होगा। तो एकदम ऐसे रिलेट कर पा रहा हूँ, पता नहीं आगे कैसी है, क्या कहानी है, कुछ पता नहीं। नाम गंदी बात है बट इतनी खूबसूरत स्टोरी लग रही है कि क्या बताऊँ। देखते हैं क्या होता है आगे। आप लोग अगर एक्साइटेड हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, प्लीज़ मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। तो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।